हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। ये जो स्वराज कंपनी का 744 ट्रैक्टर है, जो XT सीरीज में है, अभी लॉन्च हुआ है। ये किसान भाई नया लेके आए हैं, अभी दो दिन पहले लेके आए हैं। जिसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे। आप लोग भी इसके कुछ खास बातों के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। चलिए आज इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। अगर इस ट्रैक्टर की हम सिलेंडर की बात करें तो ट्रैक्टर 3 सिलेंडर के साथ ट्रैक्टर ये आता है। अगर इसकी ट्रैक्टर की हम HP की बात करें तो ये ट्रैक्टर 50 HP में ये ट्रैक्टर आता है। और अगर इस ट्रैक्टर के PTO की बात करें तो हम ये ट्रैक्टर 44 HP की PTO पावर के साथ ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में दमदार आता है। अगर इसके गेयर बॉक्स की बात करें तो ये ट्रैक्टर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गेयर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। अगर इसके साथ ही इसके ब्रेक की बात करें तो तेल में डूबे हुए ब्रेक के साथ आता है ट्रैक्टर, और ये कंपनी वाले दे रहे हैं। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो ये ट्रैक्टर 2000 ओर्स मतलब 2 साल की वारंटी के ट्रैक्टर आता है। वारंटी का मतलब अगर ट्रैक्टर में कोई भी फॉल्ट वगैरह आता है तो कंपनी वाले वे अपने आप ही आकर इसको ठीक कर देंगे। अगर इस ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो ये 6,90,000 से लेकर 7,50,000 तक इसका रोड ऑन रोड प्राइस बताया गया। अगर ट्रैक्टर की क्लच की बात करें तो ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर आता है। अगर इसके फ्रंट टायर की बात करें तो ट्रैक्टर 750/16 के फ्रंट टायर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और बैक टायर की बात करें तो ट्रैक्टर 14/28 के टायरों के साथ ये ट्रैक्टर आता है। यहाँ पे इसका एयर क्लीनर दिया गया है, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर दिया गया है, बोस के इनलाइन पंप के साथ ये ट्रैक्टर आता है। अगर इसकी बात करें तो 4-स्टार ट्रैक्टर आता है। ये आर देख सकते हैं, आर का मतलब इसका रिवर्स और फॉरवर्ड PTO के साथ ये ट्रैक्टर आता है। यहाँ पे स्वराज का लोगो दिया गया है, साथ ही कंपनी वाले हैवी बम्पर देते हैं और आगे भी स्वराज का लोगो देखने को मिल जाता है। सिंपल एलोजन लाइट के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और यहाँ पर जाली की बात करें तो बिल्कुल ही बारीक जाली दी गई है, ताकि रेडिएटर के अंदर कचरा वगैरह नहीं जाए। अगर इसकी फ्रंट एक्सल की बात करें तो ये एडजस्टेबल स्ट्रेट एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर आता है। अगर इसकी ट्रैक्टर की पावर स्टेयरिंग के बारे में बात करें तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग पंप के साथ ये ट्रैक्टर उपलब्ध है। यहाँ पे डीजल फिल्टर दिए गए हैं, यहाँ पे वाटर सेपरेटर अलग से दिया गया है, यहाँ पर ट्रैक्टर पे पैर रखने के लिए दिया गया है, ये स्विच हो गया ऑफ के लिए, इंजन ऑफ के लिए। यहाँ पे ये 55 लीटर डीजल कैपेसिटी के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और यहाँ पे मरका दे रखा है, सिंस 1974 से ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, मतलब स्वराज कंपनी देखते हैं कि 1974 से चल रही है। यहाँ पे किसान भाई के लिए आसानी से ऊपर चढ़ने के लिए फुट स्टेपर दिया गया है। अगर इसके टायर की बात करें तो 14/28 ट्रैक्टर एविड्यूट के साथ ये ट्रैक्टर आता है। यहाँ पे इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर दिया गया है। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की बात करें तो एडजस्टेबल हैवी हिच के साथ ये ट्रैक्टर आता है। यहाँ पे टोपलिंग दे रखी है, टोपलिंग के लिए अलग से स्थान दिया गया है। यहाँ पर अगर ये ट्रैक्टर की लिफ्टों की बात करें तो साइड ये लिफ्ट वगैरह टायरों के ऊपर ना चढ़े, इसलिए साइड में सपोर्ट दी गई है। और बड़ी हैवी ड्रेवल के साथ ये ट्रैक्टर आता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसान भाई अपनी आसानी से इसके ऊपर मतलब लेजर लेवलर वगैरह आसानी से चला सकते हैं। और इसके पीछे बड़ा ही हैवी रिफ्लेक्टर दिया गया है, जो रात के समय पीछे से लाइट पड़ने पर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे एलोजन लाइट बैक लाइट दी गई है। बड़ी हैवी छतरी के साथ ट्रैक्टर आता है। यहाँ पे बैटरी बॉक्स दिया गया है ट्रैक्टर। यहाँ पे मिरर दे रखे है, साइड मिरर के लिए। अब इस ट्रैक्टर के डैशबोर्ड की बात करते हैं तो हम इसके ऊपर बैठ के आपको दिखाते हैं। अगर ट्रैक्टर की डैशबोर्ड की बात करें तो ये एनालॉग मीटर के साथ साथ ये ट्रैक्टर आता है। यहाँ पे हाथ वाले एक्सीलेटर दे रखे हैं। और 744 की बात करें तो ट्रैक्टर काफ़ी समय से ये एनालॉग मीटर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। ये इसके गियर के लिए लीवर दिए गए हैं, और ये आईलो का है, ये ट्रैक्टर मीडियम में नहीं आता। और सेंटर में इसके गियर दिए गए हैं। यहाँ पे हेडलाइट के लिए स्विच दिया गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए स्विच दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए स्विच दिया गया है। अगर इसके
पायदान दे रखे हैं और लगभग इसका तकरीबन 65-65% एरिया इसका प्लेटफॉर्म दे रखा है। यहाँ पे पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल पीसी और डीसी लीवर दिए गए हैं लिफ्ट के लिए, यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दे रखे हैं और साथ में ये फ़ोन किसान भाई आसानी से फ़ोन को चार्ज लगा सकता है, इसलिए 12 वोल्ट के बैटरी बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर आता है। साइड में ये देखें पीटीओ लीवर दे रखा है, यहाँ पे टूल बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे इसकी क्लच दे रखी है। इसी क्लच के अंदर दूसरी ड्यूल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर आता है, इसके साथ कोई सेपरेट क्लच नहीं दी गई है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।